नमस्कार, आप देख रहे हैं समाज एडू जेड। जनपद शिवपुरी में लॉकडाउन के चलते गरीबों और मजदूरों पर इसका असर पड़ता साफ दिख रहा है और अब गरीबों के परिवारों के सामने रोटी की समस्या उत्पन्न होती दिख रही है। लेकिन शिवपुरी शहर के पप्पू सिभरे और उनके दोस्तों ने इन गरीबों के प्रत्येक व्यक्ति तक खाना पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। पप्पू सिभरे प्रत्येक दिन खाना बनवा कर शहर की गरीब बस्तियों में पहुँच कर लोगों को खाना बांटने का काम कर रहे हैं। पप्पू सिभरे ने बताया है कि पिछले 20 दिनों से गरीबों के लिए उनकी टीम सेवा में लगी है और गरीबों तक खाना पहुंचे, यह उनकी और उनकी टीम की पहली प्राथमिकता है। समाज ए टू जेड के लिए शिवपुरी से साबिर खान की रिपोर्ट। आपका? मेरा नाम पप्पू शिवाय। अच्छा, लॉकडाउन को लेकर के आज 20 दिन पूरे होने को जा रहे हैं, ये आपकी जनता के लिए कब से सेवा चल रही है? 22 तारीख से सेवा चालू है हमारी, खाने पीने की बना के जतन करने का। क्या पब्लिक को आप सूखा भी सामान देते हैं? नहीं, हम बना के देते हैं। पहले सूखा देना चालू करा था, लेकिन फिर बाद में सब दोस्त वगैरह ने बोला, मंडली ने हमारी, कि बाहर बना के और फिर बांटा जाए। तो ये आपका कोई संस्था या नहीं, कोई ग्रुप नहीं है? ये कोई ग्रुप नहीं है हमारे, ये दोस्त यार है हमारे, जस्सू भाई हैं, बंटी भाई हैं, प्रशांत भाई हैं, हमारा छोटे मोर है और भी हैं अवधेश। तो ये आपका मित्रगण है? हाँ। अच्छा, ये रेगुलर चल रहा है आपका? रेगुलर चल रहा है हमारा। कितने पैकेट रोज के बाद? 500 पैकेट रोज बढ़ते हैं। अच्छा, हर क्षेत्र में पानी छिपरी, फिजिकल क्षेत्र, हुसैन टेकरी, उसके बाद खोड़ा रेलवे स्टेशन, जहाँ जरूरतमंद ने चिन्हित कर रखे हैं वहाँ हम वितरण करने आते हैं। मेडिकल कॉलेज में अंदर जो लेबर रुकी है उनको भी खिलाने पड़ रहे हैं, वहीं आते हैं। अच्छा, कब से कब तक रहता है आपका टाइम? हमारा रहता है 1 से 4। धन्यवाद समाचार ए टू जेड के लिए।